बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा, अगर आपके पास भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है कि कोई भी आप ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होती, वो आपको कोई भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे जैसा कि शो करें ये प्रॉब्लम अगर आपके पास भी शो होती है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा किस तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चार तरीके बताऊँगा, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, आपने अपने प्ले स्टोर की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आपने अपनी प्ले स्टोर की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना। देखें जी, प्ले स्टोर पर आपने जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना प्रोफाइल पिक्चर पर और सेटिंग में आपने चले जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे आखिर पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अबाउट का, अबाउट पर आपने क्लिक करना है। अबाउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने प्ले स्टोर का जो वर्जन है इसको यानी कि अपडेट कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको ये एरो से शो करके दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। इस पर आपने क्लिक करना है, अगर आपका जो गूगल प्ले स्टोर है वो अपडेट होगा तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको बता देगा, अगर अपडेट होने वाला होगा तो ये अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले ये वाली सेटिंग आपने कर लेनी है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी सेटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग नहीं करते, वो क्या है दोस्तों, आपने अपने प्ले स्टोर का जो है वो क्लियर कैची करना होता है। कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आपने प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करके रखना है, ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको यहाँ पर नहीं होता तो सेटिंग में जा कर भी आप जा सकते हैं, ठीक है जी। ऐप इन्फो पर आपने क्लिक करना है, ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लियर डाटा सबसे आखिर पे आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ये साइड पे, ठीक है दोस्तों। ठीक है जी, क्लियर डाटा पे आपने क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जी क्लियर कैची का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लियर कैची करके ओके कर देना है। ये आपकी दूसरी सेटिंग होगी, ये दो सेटिंग करने के बाद तीसरी सेटिंग भी आपने करनी है, फिर इसके बाद आपने चेक करना है। तीसरी सेटिंग क्या, आपने अपने मोबाइल फ़ोन की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने अपना जो मोबाइल है उसको अपडेट रखना है। यहाँ पे देखें जी, आपका जो भी वर्जन है उसको दोस्तों आपने यहाँ पे अपडेट रखना है। ये देखें, नो अपडेट अवेलेबल, यानी कि इस वक्त ये अपडेट है, कोई भी अभी इसकी नई अपडेट नहीं आई। तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि अपडेट होने वाला तो नहीं है, अगर अपडेट होने वाला तो इसको आपने अपडेट कर लेना है। ये तीन सेटिंग करने के बाद आपने किसी भी जो भी आपने यहीं के व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये करने के बाद आपने चेक करना, अगर फिर भी इंस्टॉल नहीं होती तो इसके बाद आपने जो तीसरी और आखिरी और चौथी सेटिंग जो करनी है वो ये है कि आपने किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। जो भी आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं अगर वो इंस्टॉल नहीं होती तो यानी कि गूगल क्रोम को आपने ओपन कर लेना। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर दोस्तों सर्च कर लेना, यानी कि जैसा कि आप व्हाट्सएप है, ठीक है जी, व्हाट्सएप आपके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा, यहाँ पर मैंने लिखा जी WhatsApp न्यू वर्जन फॉर Android 12, यानी कि जो Android का वर्जन है वो आपका जितना भी वर्जन होगा, 9 वर्जन है, 10 वर्जन है, 11 है, 12 है, आपका Android वर्जन जितना होगा आपने यहाँ पे क्लिक वही लिखना। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से लिखकर दिखा देता हूँ, देखें जी WhatsApp, जैसा कि आपने WhatsApp, अगर आपने YouTube को इंस्टॉल करना है तो YouTube आप लिखेंगे, अगर आपने WhatsApp को करना है WhatsApp लिखेंगे, WhatsApp न्यू वर्जन, ठीक है जी, आपने यहाँ पे टाइप करना है व्हाट्सएप न्यू वर्जन फॉर एंड्रॉयड। अगर आपके पास 10 वर्जन है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास वर्जन 10 है तो 10, उसके बाद आपने क्लिक करना है APK प्योर, ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे दोस्तों सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास जो सबसे पहला लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखें जी व्हाट्सएप मैसेंजर इसका जो वर्जन है ये दोस्तों आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और आपका ये जो है वो गारंटी से आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये सेटिंग है, ये डाउनलोड APK यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन के बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। ये दोस्तों 4 और आखिरी और 100% ऑथेंटिक तरीका जो कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर